नमस्कार, मैं मयूरी और मैं बनाने जा रही हूँ एक यमी टेस्टी रेसिपी, पनीर मटर मशरूम। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लें। 50 ग्राम सोया, 150 ग्राम पनीर, 200 ग्राम मशरूम, 200 ग्राम छिले हुए मटर, 200 ग्राम टिंडे, 200 ग्राम आलू, 2 छोटे टमाटर बारीक कटे हुए, 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 2 कप पानी, 4 टेबलस्पून तेल, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं पनीर मटर मशरूम। फ्लेम ऑन करेंगे, 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब इसमें हम प्याज 80% गुलाबी होने तक भुनेंगे, 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, ग्रेवी पूरी की पूरी। देखिए, और थोड़ा इसे लाल करेंगे हम। इसके बाद हम 2 बारीक कटे टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप इसे कुकर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब 2 बारीक टमाटर डालेंगे, 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। दो बारीक कटी चिलीज, अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, थोड़ा नमक अभी डालेंगे ताकि ये मसाला जो है पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इस मसाले को कुकर में शिफ्ट करें और एक विसल दिलवाएं। नहीं तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सॉफ्ट करेंगे हम। चलिए हम थोड़ा सा पानी डालकर सॉफ्ट करेंगे। ढक दें और बीच बीच में आप ध्यान देते रहें कि सॉफ्ट हुआ है या नहीं। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए, हमने इसे मिक्सी में ही मिक्स कर दिया है, ग्राइंड कर दिया पूरा। अब जो आप ग्रेवी लेंगे इसमें ही पानी डालकर डाल दीजिएगा ताकि पूरा मसाला जो है मिक्सी से निकल जाए। अब इस ग्रेवी को हम और थोड़ा लाल करेंगे। ये देखिए, अब मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम हरे टिंडे और आलू डाल देंगे। इन दोनों वेजिटेबल्स को हम एक साथ भुनेंगे। दो छोटे टिंडे और 2 आलू हैं, इन दोनों को साथ में भुनेंगे। पानी डालते हैं, ये मिक्सी जिसमें हमने मसाला ग्राइंड किया था उसी में पानी डालेंगे। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा धनिया अभी डाल देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर जो है वो इस वेजिटेबल में जाए।
सोया बॉईल करें, उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। अब इसमें सोया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सोया भून जाने के बाद इसमें हम मटर डालेंगे, अब दोनों सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। पनीर डालेंगे, पनीर आप चाहें तो रॉ डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। हमने वैसे ही रॉ लिया हुआ है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। अब तीनों सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे। जितनी ग्रेवी चाहिए आपको उतना आप पानी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे पकाएंगे 10-12 मिनट, या फिर जब तक पनीर सोया अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। चलिए अब इसमें हम नमक डालेंगे एज पर टेस्ट। पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे। अब ये आप बॉइल्ड मशरूम जो हैं ऐड करेंगे इसमें। ये हमने पहले से ही साफ करके बॉइल कर लिए हैं। अब ये डालें इसमें। मसाले में अच्छे से मशरूम को भून लें। सारे मसाले जो हैं वो कोट कर जाएं, इस तरह से भून लें। अब इसमें आप अपने हिसाब से पानी डालेंगे, 2 कप, 1.5 कप या फिर जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। चलिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, टेस्ट अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे। पानी ऐड करें, थोड़ा मिक्स करें। अब इसमें नमक ऐड करें, नमक मिक्स करें अच्छे से। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे थोड़ा। अब इसे 10 से 12 मिनट तक पकने दें, जब तक कि मशरूम, पनीर, सारी सब्जियां जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। ढक दें इसे, फ्लेम लो कर दें। चलिए देखें, पनीर, मटर, मशरूम पूरी तरह से पक चुका है। गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और खाते हैं। गैस ऑफ करें। वाह, देखिए कैसे फूल गए हैं। गर्मा गर्म पनीर, मटर, मशरूम, रोटी, चावल के साथ परोसें।